अटल, जैसा मैंने बोला था कि जो निफ्टी है वो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है 15,635 इसके आसपास, और एग्जैक्ट उसी पॉइंट से देख सकते हैं निफ्टी सपोर्ट लिया और वापस ऊपर चला गया, मतलब ओवरऑल जो है निफ्टी रेंज बाउंड रहा, और तब तक ये रेंज बाउंड रहेगा जब तक कि ऊपर की ओर 15,740 को क्रॉस नहीं कर देता है, या नीचे की जो सपोर्ट है 15,633 उसको ब्रेक नहीं कर देता है तब तक निफ्टी को हम रेंज बाउंड मानेंगे। अगर ऊपर की ओर क्रॉस करता है 740 को तो फिर नेक्स्ट टारगेट 800 के लिए हम इसको बाय कर सकते हैं। अब 15,800 ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वहीं अगर ये नीचे की ओर 15,633 को क्रॉस करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल के लिए हम निफ्टी को सेल कर सकते हैं 15,533, क्योंकि जब नीचे ब्रेक करेगा सपोर्ट को तो काफी तेजी से निफ्टी में गिरावट देखने मिल सकता है आपको। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा मंडे के लिए। तो 12 जुलाई के लिए हम निफ्टी को अभी तक साइडवेज ही मानेंगे इस रेंज के बीच, और रेंज को आपको हमेशा याद रखना है।